जिस जहाज पे जंग लगा हो उसे ठीक करके चालू करने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जहाज के ताल में कोई छेद हो गया। उसे सुधारेंगे तब किसी एक मोटर का पंखा जवाब दे जाएगा। स्कूल के रूप में बिहार में हजारों प्राथमिक और मध्य विद्यालय हैं। शिक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर यानी लाखों की संख्या में हुई है। शिक्षक या तो स्कूल से गायब रहते थे या रहकर भी पढ़ाते नहीं हैं। यह बिहार का सबसे बड़ा जहाज है जो बैठ रहा था। के पाठक ने सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की गारंटी करने के लिए लगातार सुधार किया है। बाद में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति का मसला भी उठाया गया और धीरे धीरे बढ़कर 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। इसका असर दिखने लगा है और प्राथमिक स्कूलों में पहले से उपस्थिति 20% तक बढ़ी है। अब बताया जाता है कि 55 से 57% तक उपस्थिति हो रही है। इसी तरह माध्यमिक स्कूलों में भी 25 से 30% की जगह अब 55 से 60% विद्यार्थी उपस्थित होने लगे हैं। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि प्राथमिक विद्यालयों से शुरू कर प्रत्येक महीने परीक्षा होगी। अब विभाग का अगला फरमान आया है कि शुरू की गई परीक्षा की प्रणाली की वजह से पढ़ाई बाधित नहीं हो। जानकारी यह आई थी कि परीक्षा केवल 2 घंटे चलती है और उस दिन उस वजह से पढ़ाई बंद हो जाती है। तब शिक्षा विभाग में निर्णय लिया गया कि स्कूलों में परीक्षा टिफिन के बाद होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा कि मासिक परीक्षा के दिन टिफिन के पहले पढ़ाई होगी और परीक्षा उसके बाद के घंटे में होगी। इसके पहले ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों के भवन को ठीक ठाक करने की पहल ली। यह निर्देश दिया गया कि स्कूलों के निरीक्षक के लिए जो जाएंगे वह बंद कमरों की जांच भी करेंगे। स्कूलों को निर्देश दिया गया कि सभी कमरों को खुला रखें तथा विद्यालय शौचालय सफाई पढ़ाई लाइब्रेरी फर्नीचर इन सब की जांच करें। इधर बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश हो रही है और अन्य 65,000 शिक्षकों की बहाली के लिए सूचना जारी हो रही है। स्कूलों में पढ़ाई लगभग बंद था परंतु अब तो स्कूल चल रहे हैं और स्कूलों में बच्चे भी आ रहे हैं। यहां तक कि प्राइवेट कोचिंग संस्थान भी अब स्कूलों के समय से पहले सुबह सुबह वर्ग लेते हैं या फिर शाम में स्कूल अवधि के बाद। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस समय केंद्र को इस बात के लिए धिक्कारा है कि बिहार में बहालियों का दौर जारी है। इस समय यह जरूरी है कि शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा विभाग और सरकार लगातार कायम रहे और प्रयासरत रहे। के पाठक के जिस काम में थोड़ी सनक दिखाई दे उसको सीमित करके भी सुधार के काम को जारी रखने के लिए विभाग को प्रोत्साहन देना जारी रखे। यह काम लगातार चलकर ही पूरा हो सकता है। के पाठक एट हिज बेस्ट।